अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शम्स नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद बालों का झड़ना हम किस तरीके से रोक सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डिलीवरी के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं। ये वो हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो हर चीज़ की एक अपनी दवाई होती है, अपनी मेडिसिन होती हैं, डॉक्टर मेडिकेशन देता है तो हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, हेयर फॉल के लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में जो अवेलेबल हो। तो आप एक काम कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं कि शैम्पू भी आता है, तेल भी आता है, लेकिन आपको वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि ये मैं अपने ऊपर यूज कर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो मैंने अपनी 40 डेज में यूज किया है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। मुझे उससे बहुत हेल्प मिली थी, मेरे बाल झड़े थे नो डाउट, क्योंकि जो वीक हेयर्स होते हैं वो झड़ते जरूर हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने चीज यूज की थी उससे ये हुआ था कि मेरे उतने ही बाल निकलने भी लगे थे, तो वो चीज मेरे लिए बहुत अच्छी थी। जितने झड़ रहे हैं उतने ही निकल भी रहे हैं, तो 40 डेज में मेरा सब कुछ बहुत अच्छा रहा था। तो मैंने एक ऑयल यूज किया था, मैंने घर में बनाया था उस ऑयल को, और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने किस तरीके से क्या क्या चीजें उसमें डाली थी। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप लीजिए सरसों का तेल, बादाम, कलौंजी और पीली मेथी, जो मोटी मेथी आती है पीली मेथी। अब आपको क्या करना है, जो पीली मेथी है, कलौंजी है और बादाम है, इसको हल्का हल्का गर्म, बादाम को तो नहीं, कलौंजी और मेथी को आपको हल्का हल्का सा भून लेना है, मतलब थोड़ा सा, या तो आप धूप में रख दें थोड़ी देर और उसको पीस लें, और बादाम को भी आपको पीसना है, और नीम के पत्तों को धो के अच्छे से थोड़ा सा सुखा लें, पानी उसका खत्म होने दें। फिर क्या करना है आपको, सरसों का तेल गैस पर चढ़ाइए, उसमें वो सब चीजें डाल के उसको बहुत अच्छे से खौला लीजिए, बहुत अच्छे से खौला लीजिए उस तेल को, और उसके बाद उसको छान कर उसको कांच की बोतल में रख ले, तो उससे, और उसको आप रेगुलर यूज करिए। मैंने 40 डेज तक उसको रेगुलर लगाया है, मैं रोज लगाती थी और मेरे बालों में बहुत, मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरे बाल झड़े हैं नो डाउट, क्योंकि मेरी डिलीवरी का भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मेरे बाल अभी झड़ रहे हैं, जस्ट 2 ही मंथ्स हुए हैं, तो अप टू 6 मंथ्स तो होते ही होते हैं, बाल झड़ते ही झड़ते हैं, कई बार 1 साल तक भी हो जाता है। लेकिन उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी वीक बाल होते हैं वही निकलते हैं, वही झड़ते हैं हमारे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप गंजे नहीं होने चाहिए, आपके बाल भी आते रहने चाहिए, तो ये आपको तेल बहुत हेल्प करेगा कि आपके जो बाल है वो आ जाए। मैं अब भी रेगुलर यूज करती हूँ इस तेल को, मैं रोज लगाती हूँ, एटलीस्ट यहाँ इस हिस्से पर आपको तेल रेगुलर लगाना है, ताकि, क्योंकि दिमाग भी बहुत वीक हो चुका होता है हमारा डिलीवरी के टाइम, तो हमें तेल की बहुत ज़रूरत है। सूखा सड़ना रखें कुछ टाइम, कोशिश करें कि इस हिस्से पर तो तेल लगा ही लें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत जल्द फायदा होगा जैसे कि मुझे हुआ है। जो चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है, जो चीज़ मैंने की है, खुद से किया है सब कुछ, वही मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी अलग चीज़ नहीं बता रही हूँ, सब कुछ टेस्ट हुआ है, मैंने अपने ऊपर टेस्ट किया हुआ है, किसी और की बताई हुई बात नहीं बता रही हूँ मैं आपको। और एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको कि इस तेल को जब आप तेल यूज करें, शैम्पू बहुत माइल्ड लें, आप बहुत माइल्ड शैम्पू लें, बहुत हार्श शैम्पू ना लें प्लीज, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए आपके उसमें, हेयर्स में, तो उससे क्या होगा, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ज्यादा चिकना होता है, तो इससे क्या रहेगा, थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, तो माइल्ड शैम्पू यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा तो सही रहेगा सब। इस तेल को यूज करने के फायदे और बहुत हैं, जैसे कि कलौंजी से आपके बाल काले हो जाएंगे, पीली मेथी आपके हेयर्स को स्ट्रेट करती है, सॉरी हेयर्स को बहुत स्ट्रांग करती है, मतलब जो जड़ों से मजबूत करती है, और बादाम जो होता है वो आपको वैसे भी मुफीद होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है बादाम, तो वो आपके, वो भी आपके बालों को स्ट्रांग करने में हेल्प करेगा। और क्यों, नीम के पत्ते तो आपको पता ही है, मेडिकेटेड होते हैं, तो ये भी हेल्पफुल है। तो हर तरीके से ये सभी चीजें जो हमने मिक्स की है, इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, वो सभी फायदेमंद है, कोई भी आपको नुकसान देने वाला नहीं है। और मैंने अब तक भी, मेरे 3 बच्चे हो चुके हैं माशाल्लाह, ये मेरी 3री डिलीवरी थी, मैंने आज तक भी मतलब अपनी डिलीवरी के बाद 1 साल तक, 1 से 1.5 साल तक, ना ही मैंने कोई दही यूज की है अपने सर पे, ना ही मैं अंडा लगाती हूँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाती हूँ ताकि, जिससे मुझे या मेरे बच्चों को नुकसान हो। क्योंकि अगर आप अंडा लगाते हैं अपने सर में
या क्या कहते हैं दही लगाते हैं अपने सर में, तो उससे क्या होता है ये सब चीजें ठंडी होती है। अंडा तो फिर भी गर्म होता है लेकिन दही ठंडी होती है, लेकिन दोनों ही चीजें जब आप अपने सर पे लगाएंगे तो सर पे लगाने के लिए आपको थोड़ी देर छोड़ना तो पड़ेगा ही, तो उससे क्या होगा आपको हवा लगने का डर रहता है, उससे सर में दर्द होने का, क्योंकि वीक हो चुकी होती है पूरी बॉडी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप भी ना लगाएं। अगर आप इस तेल को यूज करेंगे तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अपने हेयर फॉल रोकना पड़े और उसके लिए कोई दही या अंडा वगैरह आपको लगाना पड़े। तो आप कोशिश करें कि आप ये ऑयल रेगुलर यूज करें ताकि आपके बाल झड़ेंगे तो है ही ऑब्वियसली वीकनेस से और जो क्या कहते हैं हार्मोनल चेंजेस हैं उससे, लेकिन उतने ही लेवल उसका ये क्या कहते हैं उतने ही बाल आपके आए भी। ऐसा ना हो कि बाल झड़ते ही रहें और आप गंजे हो जाएं और क्या कहते हैं आपके बाल ना आए, तो इस तेल से क्या होगा आपके बाल आएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।